नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। भू माफियाओं व अपराधियों एवं कानपुर पुलिस की मिलीभगत के शिकार कानपुर नगर के तीन परिवारों ने ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग से अपने मकान व अपने परिवार को बचाने एवं अपने पत्रकार भाई की हत्या के मुख्य आरोपी गिरफ्तार न होने से पूरे परिवार के लिए पैदा हो रहे जान के खतरे से बचाने हेतु गुहार लगाई है, जिसमें प्रथम दिलीप कुमार राय लेबर कॉलोनी दादा नगर कानपुर नगर के पुलिस व भू माफियाओं की आपसी मिलीभगत से उनकी पुश्तैनी मकान को जबरदस्ती कब्जाने एवं परिवार को पुलिस व भू माफियाओं द्वारा प्रताड़ित किए जाने व दूसरे प्रेम शंकर पासवान बर्रा कानपुर नगर ने पुलिस व जुआरियों की आपसी मिलीभगत से चल रहे जुओं का विरोध करने पर पुलिस द्वारा जुआरियों की सह पर दर्जनों मुकदमे दर्ज कर परिवारों को सामूहिक आत्महत्या करने पर मजबूर किए जाने के अलावा तीसरे कानपुर में हत्या के शिकार पत्रकार आशु यादव की बहन ने अपनी भाइयों की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पूरे घर के ऊपर बढ़ रहे जान के खतरे जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के न्यायिक प्रकोष्ठ से अपने मकान व अपने परिवारों को बचाने एवं भू माफियाओं व अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु गुहार लगाई है, जिस गैर राजनीतिक देशव्यापी देश व समाज से सभी सामाजिक बुराइयों को जड़ से मिटाने हेतु 2011 से कार्य कर रहे ऑपरेशन विजय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह आईपी ने तत्काल कदम उठाते हुए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन को पत्र लिखकर पीड़ित परिवार के मकान व उनके परिवार को किसी भी अनहोनी घटना से बचाने एवं दोषी अपराधी व भूमाफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हेतु कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर पुलिस बिकरू एवं कासगंज जैसे उत्तर प्रदेश को शर्मसार करने वाले कांडों से सबक न लेते हुए भूमाफिया एवं अपराधियों का साथ देकर आम जनता को प्रताड़ित कर रही है, जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंत में उन्होंने कहा कि यदि कानपुर पुलिस व अपराधियों एवं भूमाफियाओं की मिलीभगत से आम जनता एवं गरीबों का शोषण बंद नहीं हुआ तो ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग कानपुर में कानपुर पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेगा। मैं प्रेम शंकर पासवान बर्रा दो कानपुर का रहने वाला हूं। बर्रा पुलिस ने हमें और हमारे परिवार वालों पर बहुत अत्याचार कर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया है। अब हम पूरा परिवार सहित आत्महत्या करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, वह प्रशासनिक अधिकारियों से वह जनता से प्रार्थना करता हूं, हमें और हमारे परिवार वालों को बचाएं। मेरा नाम दिलीप कुमार राय है, मैं 6/31 लेबर कॉलोनी दादा नगर का निवासी हूँ। मेरा जे 139 में एक मकान है, जो कि अनिल सिंगर नाम का भू माफिया मेरे मकान को हड़पना चाहता है। सीओ गोविंद नगर चौकिंग चार्ज हरिशंभू सिंह, ये सब उनका जो है बापू भी साथ दे रहे हैं। इन लोगों ने जो है कचहरी परिसर में मुझको बुलाकर मेरे मकान के जो है पेपर और छीन लिए, पैन कार्ड आधार कार्ड ये सब छीन लिया, जिसकी मैंने सीओ कोतवाली में एफआईआर की, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं लिखी गई। इसीलिए मेरी सभी वरिष्ठ सामाजिक संगठन और प्रशासनिक अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि मेरी एफआईआर लिख के मेरी मदद की जाए, नहीं तो मेरा परिवार कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसकी जिम्मेदारी सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की होगी।